राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रानी शर्मा किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम झटपट बनने वाली बच्चों के नाश्ता की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। घर के कुछ सामानों से झटपट बन जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बच्चों की पसंद के बर्गर की रेसिपी। तब हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। उससे 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को हल्का लाल होने देंगे हम। अब उसके बाद हम 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे टुकड़े में हम काट लिए हैं। अब हम इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। अब हम हेल्दी बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़े सब्जियां डालेंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी हम लाल कर लेंगे। तब हम उसमें कैप्सिकम डाल देंगे 1 प्लेट। 1 प्लेट हम डाल देंगे टमाटर, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तब हम 1 गाजर ले लेंगे, उसे हम ग्रेट कर लिए हैं जार में। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, तो मैं इस तरह कर लिया ताकि ये जल्दी पक जाए। तब हम इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तब हम इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे चिकन मसाला। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। और आधा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। एकदम चटपटी और स्वादिष्ट बनने वाली है बर्गर, तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो हम सभी मसालों को मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो नमक को भी हम सब्जी में मिला लेंगे। आप चाहे तो और भी कुछ सब्जी डाल सकते हैं। तो हम 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, उसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे आलू को बॉयल करके। तब आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बर्गर के लिए देखिए हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम हेल्दी और सारा सब्जी डालकर हमने बनाया है। तब हम बन वाली बर्गर ब्रेड ले लेंगे। तो आप जब भी इसे चाहे झटपट बना सकते हैं। तब हम इसे काट लेंगे, बीच से कट कर लेंगे ब्रेड को। तो अब हम घी, बटर जो भी आपके पास हो आप डालकर इसे अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी होने तक इसे हम सेंक लेंगे। तो हम शुद्ध देसी गाय घी डाले हैं, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। तो मैं घी में इसे सेक लूंगी ब्रेड को अच्छी तरह से। एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसे लाल कर लेंगे ब्रेड को। दोनों तरफ से हम घी लगा लेंगे। तब हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो झटपट बनने वाली नाश्ता है, तो जब भी बच्चे को एक भूख लगेगी तो आप एकदम झटपट सिर्फ 5 मिनट में बन के ये तैयार हो जाती है। बस आलू की फिलिंग बनाना है और इस तरह से आप ब्रेड को सेक लीजिए घी या बटर में और फिर इस तरह से फिलिंग करके आप बच्चों को बना के दे, झटपट बन जाती है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा, तो बच्चे आपकी तारीफें करेंगे। और अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो इस तरह आप बर्गर बना के दे सकते हैं सबको। तो देखिए अब अच्छी तरह से लाल हो चुकी है। तब हम इसे पलट लेंगे। तब हम दोनों तरफ से इसे लाल कर लेंगे। तो मैं अभी अपने बच्चों लोग के लिए शाम को नाश्ता में बना दी हूँ देखिए। तो अब हम इसमें मेयोनीज लगा लेंगे। तो एक सीक्रेट है, मैं मेयोनीज बाहर से बहुत कम ही लाती हूँ, मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो मैं इसका वीडियो भी आप कर बना कर डालूंगी, तब पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं इसका भी वीडियो बनाई हूँ। तो अब हम अच्छी तरह से मेयोनीज लगा लेंगे, पूरा चारों तरफ हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब आपके पास जो भी सॉस हो, चिली सॉस, टमाटर सॉस, सेजवान सॉस, आप इस तरह लगा लें, या तो धनिया की चटनी आप लगा लें। तो इस तरह से हम चारों तरफ फैला फैला कर लगा लेंगे। तब आपके पास जो भी सलाद हो वो डाल ले, और फिर हम ये फिलिंग को टिक्की की तरह गोल करके हम फैला देंगे ब्रेड में। इस तरह से हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। तब हम इसमें प्याज के स्लाइस रख देंगे, प्याज, खीरा, गाजर जो भी आपके पास हो, टमाटर, इस तरह सजा लें।
तो ये बच्चे को बहुत ही पसंद आएगी। तो शाम के नाश्ता में मैं देखिए इस तरह बना दी हूँ बच्चों के लिए। इस तरह मैंने प्याज टमाटर पूरा सजा लिया है। तब इसे और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा हम गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे और फिर इसके ऊपर से हल्दीराम वाला सेव भुजिया डाल देंगे हम। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बच्चे बहुत पसंद करेंगे, एकदम चटपटा सा बन जाएगा। तब हम इसे बर्गर को ऊपर से लगा देंगे। तो देखिए मेरी बर्गर की रेसिपी बनकर तैयार है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी बर्गर की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो देखिए मैं मेयोनीज बनाना बता रही हूँ आपको। तो एक बॉयल आलू ले लीजिए और गाढ़ा दूध डाल दीजिए और इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी सॉल्ट डालकर इसे हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, तब हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए बन गई ना पूरा एकदम मार्केट जैसे मेयोनीज। तो मैं चम्मच से आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखिए मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए बन चुकी है मेयोनीज। तो ये मेरी कुछ रेसिपी है, झींगा आलू चना दाल की, ये सूजना डाठा और आलू की, ये कटहल की रेसिपी। तो ये मेरी बड़ी माँ है, तीनों बहन हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं और ये बड़ी माँ के पांच पोते के बहू है। और ये पनीर की रेसिपी, और ये मेरी थाली सजी हुई है, और ये फूल हुआ है देखिए, तो मैं इसका ही वीडियो डाल दी हूँ। तो ये दही भिंडी की रेसिपी, और ये है फूल गोभी आलू की, और ये मौसी के साथ हम लोग तीनों बहन है। तो देखिए ये मेरे भाई का डेथ हो चुका है, तो हम लोग तीनों बहन 8 साल बाद मिले हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड, आप सब इसी